मनाइए चांदी की राखी से रक्षाबंधन, रेंज मात्र 299 से शुरू। डबरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको ट्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। रैकेट के आरोप में 4 गिरफ्तार, महिलाओं की भी हुई है गिरफ्तारी। दरभंगा जिला अंतर्गत लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के वाजिदपुर महदौली सड़क के पास से शहरी क्षेत्र में 23 और 24 जुलाई की रात में डायल 112 के गश्ती वाहन पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के द्वारा एक बांग्लादेशी महिला को पकड़कर लहेरिया सराय थाने पर लाया गया। उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि रत्नोपट्टी की छोटी देवी एवं उसके पति सोनू कुमार के बहकावे में आकर वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए वो छोटी देवी के पास आई थी। पूछताछ के क्रम में छोटी देवी एवं सोनू कुमार को पकड़ा गया, जिसे वेश्यावृत्ति में संलिप्त पाया गया। छोटी देवी एवं सोनू कुमार के द्वारा कई कस्टमर को उसका फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया तथा छोटी देवी के द्वारा बताया गया कि वेश्यावृत्ति से जुड़े कई महिलाओं से उसके संबंध हैं। वे कस्टमर को मैनेज कर बेंता स्थित अतिथि होटल, प्रिंस कमल होटल, ललन रेस्ट हाउस और शांति निवास होटल में ले जाते हैं तथा वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं। छापेमारी के क्रम में अतिथि होटल के मैनेजर पवन कुमार, पिता राम बाबू महतो, साकिन बाकरगंज थाना लहेरिया सराय जिला दरभंगा एवं वेश्यावृत्ति में शामिल एम राजा, पिता अब्बू समद, मोहम्मद अली नगर थाना अली नगर जिला दरभंगा को पकड़ा गया है। वेश्यावृत्ति में शामिल अन्य संलिप्त लोगों का पता किया जा रहा है एवं उपरोक्त अंकित होटल के मालिक एवं मैनेजर की संलिप्तता के बिंदु पर गहन जांच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से मोबाइल सिम सहित 4 मोबाइल और 1 बैग भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। छापामारी टीम में लहेरिया सराय थाना के पुलिस पदाधिकारी, कर्मी और तकनीकी कोषांग टीम दरभंगा मौजूद थी। कल एवं रात्रि 24 के तहत में लहरिया सराय थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं, लड़के हैं और एक महिला जो वेश्यावृत्ति के अपराध में वो सम्मिलित। जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसमें जहाँ की वहाँ पर छापामारी हुई तो एक महिला जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक रखती है वो वहाँ पर पकड़ाई गई और उनके साथ में जो एक व्यक्ति जो था जो कस्टमर के रूप में कार्य कर रहा था वो उस समय वहीं से मौके से फरार हो गया। इसके तहत में जब उसके बाद में उन पीड़ित से हमने जब पूछताछ किया तो उन्होंने ये चीज बताया कि बेता थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला है जो जिनका नाम है छोटी देवी, ये और इनके पति जिनका नाम है सोनू कुमार, ये वेश्यावृत्ति वाले एक धंधे को ये लोग कार्य करते हैं और जो पीड़िता होती हैं, लड़कियां होती हैं, जो कई बार होती हैं जो हॉस्टल में भी जो रहने वाली लड़कियां होती हैं उन लड़कियों को ये लुभावना देते हैं और कुछ पैसों के लिए उनको वेश्यावृत्ति में ये धकेलते हैं। इसके तहत हम लोगों ने और छापामारी की और जब छापामारी किया तो छोटी देवी जो इसकी एक मुख्य अपराधकर्मी है वो उनके पति जो है सोनू कुमार उनको भी गिरफ्तारी में लिया गया। इन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा और ये बोला कि लगभग 7 महीने से इस अपराध को कार्य में ये सम्मिलित हैं और मतलब सैकड़ों लोगों से ये पहले से ताल्लुक रखते आई है और इस तरह के अपराध में कई बार इन्होंने करवाया है। इसमें हमने इनका मोबाइल है उसको भी सीज किया, उसमें भी काफ़ी नंबर इसे इस बात की पुष्टि हुई और काफ़ी अन्य नंबर से इन्होंने इस तरह के ट्रांजैक्शन में सम्मिलित रही हैं और उनको जो पीड़िता हैं लड़कियां हैं उनको मुहैया इन्होंने करवाया है। इसके तहत में हमने जब आगे और छानबीन किया तो कुछ और लोगों का इसमें नाम सामने आया है। इसमें जैसे कि और जो भी ऐसे पिंप जिन्हें बोला जाता है वो लोग भी सम्मिलित हैं, उनको भी हम अभी छानबीन उसमें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इसके तहत में हमने और जब इसे रात में और छापामारी किया तो
कुछ ऐसे जो होटल मालिक हैं, होटल या मोटल जो उन्हें बोला जाता है, उस तरह के ऐसे प्रतिष्ठान हैं जहां पे ये लोग ज्यादा मूल्य पे लगभग 1,500-2,000 रुपए मूल्य में ऐसे बिना किसी भी वैध कागज के, बिना रजिस्ट्रेशन आईडी के, बिना कोई भी कागज रखे हुए, आधार कार्ड लिए हुए, बिना किसी भी सत्यापन के ये लोग इस तरह के आपराधिक गतिविधियों को वहां पे अपना कार्यरत करवाते हैं चीजों को और रूम मुहैया करवाते हैं। इसके तहत में हमने अतिथि होटल, प्रिंस होटल, ललन रेस्ट हाउस, शांति निवास होटल के जैसे इन सभी के नाम सामने आए हैं और इनके भी हमने जब एक जगह पे हमने छापामारी किया तो होटल के अतिथि होटल के मैनेजर पवन कुमार जो हैं वो भी उनकी भी भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है। एवं उसी समय पे वहां पे जब हमने और छानबीन किया तो वहां पे एक और जो व्यक्ति थे। दरभंगा में एक बार फिर दिखी पुलिस की दबंगता। युवक को पुलिस ने किया बेरहमी से पिटाई। युवक का डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। एसएसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। दरभंगा जिले के मब्बी थाना अध्यक्ष सहित थाना के पुलिस पर एक युवक मिथुन मांझी ने बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अपने साथ हुई घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच सदर एसडीपीओ अमित कुमार से कराने की बात कही है। फिलहाल पीड़ित युवक खुद अपना इलाज दरभंगा के डीएमसीएच में करा रहा है। पुलिस पिटाई के कारण युवक को सर, पीठ और आंख में ज्यादा चोट लगी है। फिलहाल उसे आंख में बहुत ज्यादा तकलीफ है। पीड़ित युवक मिथुन मांझी की माने तो मिथुन अपने गांव के एक साथी पंकज के साथ गांव जा रहा था, तभी मब्बी थाना के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त दिखाई दिया। वो अपनी बाइक को रोक लिया। मब्बी थाना की पुलिस सड़क को क्लियर करवा रही थी। पुलिस ने उसे दूसरी तरफ से जाने को कहा लेकिन उल्टी दिशा से जाने के कारण वह बाइक आगे बढ़ा, कुछ दूरी पर रुक सड़क के दोनों तरफ आने जाने वाले गाड़ी को देखने लगा। बाइक रुकी देख चंद सेकंड के अंदर वह पुलिस उपस्थित पुलिसकर्मी ने गाली देते हुए उसे बाइक को आगे बढ़ने की बात कहने लगा। फिर उसने बाइक को आगे ले जाकर सड़क किनारे खड़ा किया। फिर थाना प्रभारी के पास पीड़ित युवक जाकर गाली देने का कारण पूछा तो वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों ने अपना आपा खो दिया और युवक के साथ गाली गलौज करते हुए पीड़ित और उसके साथी पंकज के साथ मारपीट करते थाने ले गए, जहां उनके साथ बेरहमी के साथ और मारपीट की गई। बाद में चौकीदार और ग्रामीणों की पहचान पर मिथुन को छोड़ दिया गया। इसके बाद जख्मी मिथुन अपना इलाज कराने डीएमसीएच पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने पहले उसका सीटी स्कैन कराया, बाद में आंख के डॉक्टर से भी दिखाने की सलाह दी। फिलहाल मिथुन डीएमसीएच अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती है। वहीं मिथुन का साथी पंकज मामूली चोट होने के कारण घर जा चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच का जिम्मा सदर एसडीपीओ अमित कुमार को दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। घर से जा रहे थे अपने लकड़ी चिराने के समय में, तो रास्ते में एनएच पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, तो हम भी गए वहाँ पे। साइड से जब हम निकल के गमी जा रहे थे गमी, तो वहाँ थाना प्रभारियों ने गाड़ी जो पकड़ी हुई थी तो उनको साइड करवा रहे थे। तो उस समय हमको बोला कि इधर से निकलिए, इधर से निकलिए। जब हम वहाँ पे गाड़ी रुक कर देखने लगे पीछे और कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, तो थाना प्रभारी ने गाड़ी देना जो तुमको कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम जाके गाड़ी साइड में लगा दिए और बोले कि सर हमको आप गाली कैसे दे दिए, तो कह रहे हैं कि बखूती करेगा, चलो तुमको यही केस में हम डाल देते हैं। और पकड़ के ले गया और मारने लगा। हम पूछे सर हम लोकले हैं सर, मेरा नाम मिथुन कुमार माझी है और फिर भी आप लोग हमको मार रहे हैं सर, हम माझी है, फिर अगर माझी ताजी पूछेंगे तुमको इतना मारेंगे ना, तुमको यही केस में हम फंसा देते हैं। वहाँ से ले गया और हमको यहाँ इतना जो मारा सर पर, पूरा सर पूरा झुंझुनाने लगा और एक आँख से हमको दिखाई नहीं दे रहा था। तब जाके मारते हुए अंदर ले गया और वहाँ पर बैठा दिया। बैठाने के बाद जब वहाँ पे हमारे गांव का चौकीदार लक्षण पासवान है, जब वो आया तो हमको देखे तो बोला, पूछे सर सही तो मेरे गाँव का आदमी है, तो ऐसी से बात है। दरभंगा में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। देह व्यापार में लिप्त बांग्लादेशी महिला सहित एक स्थानीय व्यक्ति हिरासत में। दरभंगा पुलिस कर रही है पूछताछ। एसपी सिटी शुभम आर्य स्वयं पहुंचे मौके पर।
यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, दरभंगा शहर से आ रही है बड़ी और चौंका देने वाली खबर, जहां दरभंगा में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ करते हुए एक बांग्लादेशी महिला सहित एक पुरुष को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी महिला सहित अन्य लोगों से नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य और सदर SDPO अमित कुमार स्वयं पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद CTSP ने कहा कि पूरा मामला देह व्यापार से जुड़ा है, पूछताछ कर रैकेट का पता लगा जा रहा है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अभियुक्त को लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेता मोहल्ले से हिरासत में लिया गया है। महिला के पास पासपोर्ट भी मिला है। पुलिस बांग्लादेशी महिला के बारे में विदेश मंत्रालय से जानकारियां खंगाल रही है ताकि उसकी सही पहचान हो सके। पूछताछ के क्रम में महिला ने बताया है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते सियालदह होते हुए वह दरभंगा पहुंची थी। हालांकि विशेष जानकारी पुलिस अभी नहीं दे रही है। वहीं CTSP दरभंगा शुभम आर्य ने कहा कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेता में देह व्यापार के संबंध में गुप्त सूचना मिली थी। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई तो मौके से एक महिला और एक पुरुष को हिरासत में लिया गया है। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। महिला ने अपना मूल देश बांग्लादेश बताया है। इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई की जा रही है और इस धंधे में शामिल और लोगों की तलाश की जा रही है। पुलिस भी यह मान रही है कि जब मामले की तफ्तीश गहराई से होगी तो कई बड़े चेहरे भी इसमें बेनकाब हो सकते हैं। ये लहेरियासराय थाना अंतर्गत की बात है कि कल रात में जिला में सूचना मिली थी कि एक जो एरिया है यहाँ पे बेता के आसपास, वहाँ पे एक देह व्यापार के मामले की सूचना मिली। इसमें हम लोगों ने जब टीम बना के वहाँ पर छापामारी की तो एक लड़का और एक जो महिला है वो पकड़ाई गई थी। इसके उपरांत में हमने जब और छानबीन की पूछताछ की तो उन्होंने अपना जो मूल देश है वो बांग्लादेश बताया है। तो आगे की जो छानबीन उसमें जारी है। क्या और भी कोई लोग यहाँ कोई इस तरह का टीम है या किस तरह का देह व्यापार का उनका कारोबार यहाँ चल रहा, क्या कुछ संलिप्तता हो रही है? बाकी सभी लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनके संबंध में जाँच अभी जारी है। इंटरमीडियरी जिसे कि हम बिचौलिए वो लोग भी बोलते हैं जो इस तरह के पूरे अपराध के एक तरह से मुख्य बिंदु रहते हैं और जो अपराध को कारित करवाते हैं, उन लोगों को हम लोग अभी और पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और आगे भी पूछताछ करके स्पष्ट की जाएगी। लगभग कितने लोगों पे शक है इस तरह का कि संलिप्त होंगे? अभी दो लोगों को हमने हिरासत में लिया हुआ है और आगे के जितने भी लोग जो उनकी भूमिका स्पष्ट होती है उनको हिरासत में। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरुसेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। जीतन सहनी हत्याकांड में दरभंगा पुलिस को एक और कामयाबी, काजिम और मंजूर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हुआ चाकू बरामद। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या में प्रयुक्त चाकू को दरभंगा पुलिस ने बरामद कर मामले के सफल उद्भेदन का दावा किया है। इस बात का खुलासा दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने पत्रकारों को दिया है। जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि इस कांड में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे गए काजी मंसारी, मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी, मोहम्मद छोटे लहेरी, मोहम्मद आजाद न्यायालय से 23 जुलाई को 2 दिनों के रिमांड पर इन्हें लिया गया। मंजूर से छुरा लेकर काजिम ने जीतन सहनी की थी हत्या। रिमांड के दौरान चारों अभियुक्तों से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इस कांड के मुख्य आरोपी काजी मंसारी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मेरे द्वारा 15 जून की संध्या में मोहम्मद मंजूर से छुरा मांगकर ले गए थे जिससे घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद रास्ते में ट्रांसफार्मर के पास चापाकल पर अपना कपड़ा के साथ चाकू को भी धो दिया तथा कपड़ा को घर में एवं मोहम्मद मंजूर के दुकान में शटर के नीचे खाली जगह से चाकू को दुकान के अंदर डाल दिया। दोनों को आमने सामने बिठाने के बाद खुला हत्या का राज। इसके बाद मोहम्मद मंजूर से इस संबंध में पूछताछ की गई परंतु मंजूर ने तथ्य को छुपाया और जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके बाद मोहम्मद काजी मंसारी एवं मोहम्मद मंजूर दोनों को आमने सामने बिठाया गया जिसके बाद मंजूर ने काजी मंसारी द्वारा बताए गए सभी बातों को स्वीकार किया। वहीं उन्होंने कहा कि मंजूर ने बताया है कि सुबह में जब जीतन सनी की हत्या कर चाकू मेरे दुकान में रखे जाने की बात मालूम हुई तो वह डर गया और उसने उक्त चाकू को दुकान से हटाकर घर में छुपा दिया।
एसएसपी ने हत्या का उद्देश्य भी बताते हुए कहा कि मंजूर के बताए अनुसार इनके घर से उक्त चाकू को बरामद किया गया। बरामद छुरा को जिला एफएसएल की टीम से जांच कराई गई। जांच के क्रम में बरामद चाकू पर खून की मात्रा पाई गई, जिसे जब्त कर जांच हेतु भेजा गया है। वहीं रेड्डी ने बताया कि इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त काजिम अंसारी मृतक जी सहनी से 90,000 पुनः 10,000 यानी कुल 1,00,000 रुपया सूद पर लिया था, जिसका फरवरी 2023 में ब्याज के साथ 1,50,000 रुपया हो गया था। इसके एवज में मृतक जीतन सहनी काजी मंसारी के जमीन का दस्तावेज रखे हुए थे। अब तक इस मामले में कुल 5 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार। इस कांड में गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी मृतक जीतन सहनी से 20,000 रुपया सूद पर लिया था। इसके एवज में मृतक पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं उसके कागजात रखे हुए थे। वहीं इस कांड में गिरफ्तार छोटे लहरी मृतक जीतन सहनी से 6,000 रुपये सूद पर लिए थे, जिसके एवज में मृतक जीतन सहनी छोटे लहरी के जमीन का कागजात रखे हुए थे। वहीं मोहम्मद आजाद इस कांड में इन लोगों के सहयोगी के रूप में था। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने बताया कि इस कांड में अब तक 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था और पूछताछ के क्रम में काजिम अंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया, फिर उसमें काजिम अंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो चूरा है चाकू, उसने उन्होंने जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर उनके दुकान पे इन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ चापा कर लिया, उसमें धोखे उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारा टीम जो के रेड किए थे उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजिम अंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चूरा है उसमें वहाँ था। बट हमको उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि काजी मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से ही कुछ एक दिन पहले से चूरा जो होता वो एक दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को, और जब घटना हुआ तो उनको जानकारी हुआ कि काजी मंजारी के द्वारा बताया गया था कि ये घटना इस चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारा पहले जब हमारा टीम किया था वो नहीं मिल पाया, और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था उसको, हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजू है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया, जब्त करके एफएसएल टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि इसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है और उसको हम लोग एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे, और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला गया तो हमको भी अरेस्ट गिरफ्तार किया जाता, उसी के क्रम इन्होंने लेके चला गया और उसको वो जाके अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले? जी, उनको भी गिरफ्तारी हुआ है। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग, कितने कट थे आखिरकार उसमें? टोटल 23 इंजुरीज है, अलग अलग किया गया जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है बॉडी पे भी है। वर्षों से लंबित शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रोन्नति पर मिथिला विश्वविद्यालय में लगी सहमति की मुहर, सिंडिकेट की बैठक संपन्न। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कुलपति के आवासीय सभा कक्ष में सिंडिकेट की बैठक आयोजित हुई। गुरुवार को आहूत इस बैठक में सर्वसम्मति से अभिषद के गत 15 जुलाई के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार किया गया। पूर्व में हुई अभिषद की बैठक के अनुपालन प्रतिवेदन पर भी सदस्यों ने अपने विचार रखे। बैठक में शिक्षकेतर कर्मचारियों को अस्थायी रूप से वेतनमान सहित उच्चतर पद का प्रभार देने की निर्गत संबंधी अधिसूचना के अनुमोदन
पर सदस्यों ने विचार किया। अविशद के सचिव और विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने बताया कि विश्वविद्यालय के चार जिलों में वर्षों से लंबित कर्मचारियों की प्रोन्नति पर सर्वसम्मति से अविशद की गत बैठक की कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया। इनके अलावा बिहार सरकार के नियम और दिशा निर्देश के उपरांत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में पेंशन अदालत के नियमित आयोजन को किए जाने पर भी चर्चा हुई। अनुकंपा समिति की बैठक आगामी अगस्त सितंबर माह में किए जाने पर सदस्यों ने प्रस्ताव रखा। अंत में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में नामांकन और संचालन संबंधी बिंदुओं पर अविशद की बैठक भविष्य में प्रायोजित किए जाने पर मुहर लगी। 39 ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल। डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशंस आर फ्री। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक आयोजित होंगे विशेष लोक अदालत। माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष लोक अदालत का आयोजन 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। लोक अदालत में माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित सुलह योग्य वादों का निष्पादन पक्षकारों के बीच हुए आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के संबंध में न्यायालय आने वाले पक्षकारों को बताया जा रहा है। इसके साथ ही अधिवक्ताओं को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित दरभंगा जिले के मुकदमों के पक्षकारों को करने, पक्षकारों के बीच प्री काउंसलिंग, प्रचार प्रसार आदि की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है। इसके साथ ही पैनल अधिवक्ताओं, पीएलवी, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के जरिए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में होने वाले विशेष लोक अदालत का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। जीविका आधार केंद्र के कोऑर्डिनेटर और नोडल कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण। जिला परियोजना समन्वय इकाई दरभंगा के द्वारा बेला मोड़ स्थित होटल में दरभंगा और सुपौल जिलों के दीदी अधिकार केंद्र के समन्वयक और नोडल कर्मियों के लिए 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का आयोजन सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज संस्था के द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 जुलाई तक होगा। प्रशिक्षण में दरभंगा जिले के 7 प्रखंड यथा मनीगाछी, ताड़ी, सदर, हायाघाट, बहेड़ी, बेनीपुर एवं बिरौल तथा सुपौल जिले के 4 प्रखंड छातापुर, बसंतपुर, प्रतापगंज एवं त्रिवेणीगंज के दीदी अधिकार केंद्र समन्वयक और संबंधित प्रखंडों के नोडल कर्मी शामिल हैं। सामाजिक विकास प्रबंधक नरेश कुमार ने बताया कि दीदी अधिकार केंद्र जीविका द्वारा किया गया एक नवाचार है, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर लैंगिक भेदभाव की शिकार महिलाओं के लिए एक सहायता और परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। केंद्र में पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर समाधान मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लिंग आधारित हिंसा रोकना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और पीड़ित महिलाओं को दीदी अधिकार केंद्र के माध्यम से उचित परामर्श देकर उनके अधिकार दिलाना है।